आई विल जम्प फ्रॉम हियर एंड पूरा क्रेडिट आप लोग को जाएगा सो mm, डोट mm, I... right, so, hey so, so, मुझे पता है कि मैं बहुत दिन से एक्टिव नहीं था बहुत दिन मतलब चार पाँच दिन से एक्टिव नहीं था जैसा कि मेरा रेगुलर वीडियोज आता था, था बट मैं कुछ दिन से एक्टिव नहीं था सो so, डूट उसका रीज़न था दो तीन रीज़न था पहला रीज़न था डूट कि मैं थोड़ा सा अपसेट था क्योंकि कुछ दिन से यूट्यूब का रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है और डाउन हो रहा है मतलब हो गया है डूट मतलब क्या ही बोलूँ और सेकेंड रीज़न जो था मैं बाद में बताऊँगा बट उसके पहले मैं आपको एक, साथ एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ सो so, डूट परसों शाम को मैं आई जी पे मुझे एक डीएम आया सो so, भाई ने किया था उनका नाम था रजित पवार उन वो मतलब एक इंस्टाग्राम के क्रिएटर हैं उन्होंने मुझसे बोला कि मैं आपका वीडियोस डेली देखता हूँ मैं आपके फर्स्ट चैनल से आपको फॉलो करता हूँ बट मैं आपसे मोटिवेट होता हूँ भाई ने मुझे इंस्पिरेशन माना अपना और उन्हें बोला मैं आपसे मोटिवेट होता हूँ वीडियोज़ बनाता हूँ बट मेरे वीडियोज़ से व्यू रीच नहीं जा रहे हैं इंस्टाग्राम पर ना मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं सो so, मतलब उन्होंने बहुत लंबा मैसेज लिखा था बट इनडायरेक्टली उनका मोटिव यही था कि भाई ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे थे कि मैं मोटिवेट कैसे होता हूँ इनडायरेक्टली सो so भाई अगर आपने अभी तक मेरा फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखा है सो so मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा आप जाके पहले वो ब्लॉग देख लेना आप समझ जाओगे एंड बस मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा भाई कि ऐसा होता है बहुत बार होता है कि मतलब हमें हमारे हिसाब से रिस्पांस नहीं मिलता मैं खुद ये बात ऑब्जर्व करता हूँ यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिनका कंपैरिजन में मेरा चैनल बहुत अच्छा है वो चैनल्स में से वर्स्ट चैनल्स है भाई उनके कंपैरिजन मेरा चैनल बहुत ही अच्छा है बट उनके सब थाउजेंड्स में उनके व्यूज साउथ थाउजेंड्स में आते हैं बट मेरे नहीं आते आई डोंट नो वाई मतलब कुछ दिन से ना यूट्यूब का रीच एकदम ही कम हो गया है मतलब यूट्यूब मतलब कोई वही नहीं कर रहा है यूट्यूब वीडियोस दे तो रहा है इंप्रेशन दे रहा है बट कोई क्लिक नहीं कर रहा है ना वीडियो कोई वॉच कर रहा है यार फर्स्ट वीडियो से कुछ डे से मतलब कोई भी किसी के हार्ट में प्लेस नहीं बना पाता बट मेहनत करते करते एक दिन ज़रूर एक टाइम आता है कि हम हार्ट में जगह बना लेते हैं सो यार होप मत छोड़ मैं इतना ही बोलूँगा मेहनत करते रहे मेरा फर्स्ट ब्लॉग देख ले शायद थोड़ा मोटिवेट तो हो जाएगा एक्चुअली मुझे मोटिवेट करना नहीं आता डूड यार क्या बोलूँ यार मैं भी इतना ज़्यादा वो नहीं हो चुका हूँ ना पॉपुलरली मैं मोटिवेट करूँ सो डूड मुझसे जितना हो पाया भाई मैंने किया रजत सो so, चाहिए तुम ना फर्स्ट ब्लॉग देख ले मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा सो so, उससे तो थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाएगा एंड गाइज आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो पर लाइक कर देना यार आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो यार कुछ दिन से यूट्यूब का रीच एकदम ही कम हो गया यार पता नहीं क्यों सो so, यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना नहीं लगे तो भी करना मतलब लाइक ही करना लाइक करके जाना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बाल को इग्नोर करो यार मुझे बाल अच्छे लगते हैं नीचे रहते मुझे सब लोग चिल्लाते कि तेरा बाल मतलब पूरा फॉर पे आया रहता है फॉर पे आया रहता है बट मुझे अच्छा लगता है इसके लिए मतलब मेरा बाल हमेशा फॉर पे ही रहता है सो सोडूल अभी तक तो लाइट नहीं थी बट जैसे मैं वीडियो स्टार्ट किया लाइट आ गई सो सोडूर मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है सो so, अभी आफ्टरनून का ही टाइम है अभी दोपहर के तीन ही बज रहे हैं मात्र तीन बज रहे हैं सो आज लाइट जल्दी आ, आ गई मतलब अभी अभी आई जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया लाइट आ गई सो अब गर्मी तो नहीं लग रही है सो so, रूट मैं आपको बता रहा हूँ सेकेंड रीज़न क्या था जिसकी वजह से मैं एक्टिव नहीं था और साथ में आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ चलता हूँ बाहर क्योंकि अभी ये लोकेशन में बोर हो गया अभी चलते हैं बाहर क्योंकि बाहर अच्छा सा हवा चल रहा है अच्छा सा बाहर मौसम बना हुआ है तो बाहर चलते हैं थोड़ा लोकेशन चेंज करके बात करते हैं बाहर का व्यू देखो भाई जब मैं अभी आया था तो धूप नहीं थी अभी थोड़ी थोड़ी धूप हो गई है हल्की हल्की सी हल्की हल्की सी बरसात आ गई देख रहे हो सब लोग गाय लेके निकल भी गए अपना गाय चराने जो अपना काम करने हम अपना काम करते हैं अपनी लोकेशन चलते हैं और हमारा लोकेशन है नीम खा पेड़ क्योंकि मतलब कितनी भी गर्मी रहे पेड़ के नीचे हमेशा मतलब ही लगता है मतलब नॉर्मल जगह के टेम्परेचर से अच्छा पेड़ के ऊपर मतलब पेड़ के नीचे बैठोगे तो गर्मी नहीं लगती और क्या है ये साइड डायरेक्शन में हवा भी चल रही है देखो पत्ती हिल रही है ना सो so, तो आज हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे आज मैं पेड़ के ऊपर चढ़ के वीडियो शूट करूँगा मीन्स नीम के पेड़ के पे बैठ के क्योंकि ना कल मैं देखा ना एक मस्त सी ठाई मतलब डाली है जहाँ पे मैंने कल बैठा था सो so, वहाँ पे आराम से मतलब रिलैक्स होकर बैठ सकते डर भी नहीं लगता सो मैं पहले कल गया बैठा मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस किया जब अभी मेरे को पता चल गया डर नहीं लगता है, तो उसके ऊपर बैठ सकते हैं ना सो देखो यहाँ से है चढ़ने के लिए <laughs> सो पेड़ के ऊपर तो आ गए हम लोग पता नहीं यार कल कैसे मैं बैठ गया था कल मैं कैसे डाली पे बैठ गया था ना कंफर्टेबल होके, पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि आज तो मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ यार वैसा कल ना मैं बैठा था एकदम कंफर्टेबल होके बैठा था आज तो मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ पता नहीं क्या हो गया है यार आज मतलब कल कोई था ना मेरे साथ कोई था मतलब मेरा फ्रेंड था तो उसने मुझे थोड़ा आइडिया दिया था बट आज मैं अकेले हूँ तो मतलब मैं ऊपर देख रहा हूँ तो ठीक होती है जब ऐसा नीचे देख रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है ऐसा नहीं मेको डर नहीं लग रहा है एंड कल पता नहीं कैसे ठाई भी बैठ गया था कल कम्फर्टेबल था आज कम्फर्टेबल नहीं हूँ सो so रूड मज़ा बहुत आ रहा है यार पेड़ पर चढ़ने में डर भी लग रहा है यार मतलब क्या घिर घिट होता है ना घिर बड़ा वाला रिजल्ट कहीं वो ना बैठा रहे कहीं में मधुमक्खी छत्ता ना लगाई रहे सो गाय so अभी मैं आपको बताता हूँ मैं इतने दिन से एक्टिव शू नहीं था सो डोट स्टार्टिंग से बताता हूँ पहला रीज़न तो ये था यार कि ना व्यूज़ आ रहे थे ना लाइक्स आ रहे थे तो मैं थोड़ा सा नहीं इतना बड़ा सा अपसेट था सो so, मैं इतना बड़ा सा अपसेट हो गया था जिसकी वजह से मैं एक्टिव नहीं था पहला रीज़न तो ये था दूसरा रीज़न ये था ड्यूटी घर पे ना पूजा था भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा था सो भाई मैं तो इतना थक गया था ना मालूम है क्या इतना बड़ा घर है ना पूरा घर साफ हुआ था इतना बड़ा घर साफ मतलब मैं मम्मी और पापा ने मिल किया था सो भाई पूरा थक गए थे तो कोई चांस ही नहीं था यार मैं इतना थक गया था क्या बोलूँ मतलब काम करने के बाद थकाई नहीं लगी थी मतलब काम करते टाइम थकाई नहीं लगी थी काम मतलब करने के बाद एकदम थक, थक गया था दूसरा रीज़न ये है मतलब पहला रीज़न था यार मैं सच्ची में रियली मैं आई मजाक नहीं मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था यार क्योंकि अब कुछ दिन से मतलब व्यूज़ आ ही नहीं रहे थे आ ही नहीं रहे थे यार और दूसरा मतलब मैं बिज़ी था बट मैं अब से रेगुलर एक्टिव रहूँगा एंड प्लीज़ यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार क्रिंग कर रहा हूँ भाई आप लोग ना फटाफट सब्सक्राइब कर लो वरना मैं यहीं से कूद जाऊँगा पेड़ पे से बता दे रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो वर या मैं पेड़ पे से नीचे कूद जाऊँगा ऐसे ही कर लो जल्दी कर लो वन मैं कूद जाऊँगा कर लिए पक्का कर लिए पक्का कर लिए ना नहीं कूदू अभी साथ में लाइक और कॉमेंट भी कर देना दिल रहे तो शेयर भी कर देना फटाफट फटाफट फटा करो लाइक कॉमेंट और शेयर कर दो यार प्लीज़ रे कितना कह रहा है मैं इधर मैं जाऊंगा नहीं करोगे लाइक फॉलो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो तो यार गायज़ मैं मजाक कर रहा था यार मतलब मजाक ऐसे ही कर रहा था नहीं कूदूंगा मतलब यार अब से मैं रेगुलर एक्टिव रहने वाला हूँ सो प्लीज़ यार कीप सपोर्टिंग यार अभी तक मैं मजाक कर रहा था बट ये सीरियस यार फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियोस को लाइक कर दो यार और आपने अगर अभी तक मेरी कोई वीडियोस नहीं देखे तो जल्दी जल्दी जाके सारी वीडियोस को आप चेक करो चेकआउट करो सारी वीडियोस देखो एंड सब्सक्राइब कर लो यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो कर लो मतलब मार नहीं जा रहा ना पत्ती चुभ रही थी तो ऐसा ऐसा कर रहा था मजाक लग रहा है आपको सो यार सब्सक्राइब कर लो कल से मैं डेली एक्टिव रहूँगा सो so, आज के वीडियो में इतना ही क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी सो so, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज़ डोंट फगर टू सब्सक्राइब अदरवाइज़ आई विल जंप फ्रॉम हीयर एंड पूरा क्रेडिट आप लोग को जाएगा बिकॉज आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ना सो फटाफट सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बब बाय